वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो इसके पहले हमने जो देखा था वो था फ्लावर, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। कल ही हमने नया चैप्टर चालू किया था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, चलो। तो फ्लावर में हमने क्या क्या देखा था, एंड्रोशियम, काइनोशियम एंड कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, इसमें से कौन स्टराइल है, कौन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके बारे में देखा था हमने। फिर हमने देखा था कि कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी वॉल्स हैं, जबकि इनर टू वॉल्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर एसेंशियल। व्हाई दिस इज इनर एंड व्हाई दिस इज आउटर, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। प्लस फ्लावर इज एन मॉडिफाइड स्टेम, इसको हमने ये भी हमने देखा था कि कैसे। ठीक है, चलो। फिर हमने देखा था स्टेमेन के बारे में। ठीक है, तो स्टेमेन के हमने क्या क्या, स्टेमेन के अंदर पहले तो क्या आता है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट के दो एंड होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड विच इज वेरी क्लोज टू दी ओरिजिन या फिर एट दी ओरिजिन, एंड डिस्टल मतलब जो डिस्टेंस पे हो। एंथर जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोब या फिर ऑन द बेसिस ऑफ थीका। लोब को हम क्या कहते हैं, थीका, तो मोनोथिकस या फिर डाइथिकस। मोनोथिकस किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेलवेसी फैमिली की, जबकि जनरली सारे अदर प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है हमें, दैट इज डायसी डाइथिकस प्लांट। ठीक है, चलो। फिर एक देखा था हमने कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन टू लोब्स, अगर ये डायसियस है तो। ठीक है, फिर हमने देखा था बेसी फिक्स्ड, डोर्से फिक्स्ड, एडेनेट एंड वर्सेटाइल टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ फिलामेंट टू दी एंथर। ओके, चलो। आज हम बात करेंगे इनर पार्ट ऑफ दी एंथर, तो आई विल नीड अनदर पेज। आप भी नया पेज ले लें, थोड़ी कंजूसी ना करें। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पे हम बात करें ट्रांससेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, मतलब ऐसे काटेंगे, अगर ऐसा एंथर है तो हम उसको ऐसे काटने वाले हैं, लाइक दिस। ओके, सो हमें फर्स्ट जैसे पेज का यूज मैं कर रहा हूँ वैसे करना, ताकि आप इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सको डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम स्लाइटली हम थोड़ा राइट टुवर्ड्स राइट साइड बनाएंगे। ठीक है, आप हो सके तो पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ये ट्रांसेक्शन ऑफ दी एंथर है, मतलब जो एंथर हमने ऐसा बनाया था उसको हमने ऐसे कट करके इस पार्ट को हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो। अब सबसे बीच में हमारा जो पोलन सेक है, जिसको हम इनिशियली जब भी ये क्या कहते हैं, डेवलप नहीं हुआ तब इसको हम पोलन सेक नहीं बोल सकते, तो इसको क्या बोलते हैं वो सब हम आगे देखेंगे, बट दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट। ठीक है, तो सबसे इनिशियली तो हमने देखा था कि डाइथिकस लोब या फिर डाइथिकस एंथर की बात कर रहे थे, तो ये एक लोब हो गया हमारा और ये दूसरा लोब। ठीक है, ये पूरा एक लोब, दिस इज दी अनदर लोब, राइट। तो एक लोब में हमें दो पोलन सैक या फिर दो माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेंगे। ठीक है, चलो। ये पूरी अगर सेक से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा हो जाएगा हमारा एंथर वॉल। क्या हो जाएगा, एंथर वॉल। ठीक है, एंथर वॉल अगेन सब डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, वो हम सारे यहां पे देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे वॉल्स के अलग अलग काम है। ठीक है, चलो। कौन से लेयर्स होते हैं, तो हम सब अलग पेन से दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, दैट इज एंडोडर्मिस लेयर, दे आर वेरी फ्लैट सेल। फ्लैट सेल है तो आपको फ्लैट ही बनाना है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बनाओ। ठीक है, ऐसा इस तरफ भी होगा, पर मैं इतने में ही बना रहा हूँ अभी। तो ये कौन से हो गए हमारे, फर्स्ट सेल, फर्स्ट लेयर, दैट इज एपी डर्मिस वॉल।
या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो एंथर वॉल के डिविजन्स। सबसे पहले कौन सी होगी? एंडोडर्मिस। ये क्या हो जाएगा? सिंगल लेयर्ड एंड फ्लैट सेल, सिंगल लेयर एंड फ्लैट सेल। सेकेंड जो हमारे सेल्स होते हैं वो सेल्स, उसको हम कहेंगे एंडोथीसियम, और ये रेडियली अरेंज होते हैं। ये भी हमेशा एक ही सिंगल लेयर में ही पाए जाते हैं, बट दे आर रेडियली अरेंज्ड, ठीक है, एंड सिंगल लेयर, ठीक है। रेडियली अरेंज मतलब ऐसे आपने पहिए में देखे होंगे वो एक्सेल्स, एक्सेल्स नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, आरा, से रेडियली अरेंज होता है। टुवर्ड्स दी रेडियल पार्ट, राइट। अब इन सब सेल की एक खासियत है कि इन सब के बीच में कैलस की थिकनिंग होती है। कैलस, यू नो, राइट, कैलस क्या होता है? चलो, एक कैलस की थिकनिंग होता है। तो सेकेंड जो लेयर होगी वो हमारी होगी एंडो थीसीएम, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहले तो सिंगल लेयर रेडियली अरेंज, रेडियली अरेंज्ड एंड कैलोस की थिकनिंग होती है। थिकनिंग, ठीक है, लेबल कर देता हूं मैं। दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज दी सेकेंड लेयर, ठीक है। थर्ड लेयर जो है बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, बाहर से लेके अंदर की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, एंथर बोल के अंदर। तो थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। ये दो तीन लेयर की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। सेल्स होते हैं वो दो तीन लेयर में अरेंज्ड होते हैं, एक दो, एक दो तीन, ऐसे बहुत सारे में अरेंजमेंट होती है, ठीक है। थोड़ा बड़ा और अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करना ताकि फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मिडिल लेयर कौन सी होगी? अपनी रेड वाली। 3 to 4 layers होती है, 3 to 4 layers में होती है, सिंगल लेयर नहीं होती है, ठीक है। चलो, मैं ये तीन लेयर की बात करूँ तो ये तीन लेयर स्पेसिफिक एक काम करते हैं, दैट इज हेल्प्स, हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस में काम करते हैं, मतलब खुलने में काम करते हैं, ठीक है। ये तीन लेयर, अभी भी फोर्थ लेयर हमारी बाकी है, ठीक है। तो फोर्थ लेयर के बारे में समझ रहे हैं, उसके पहले समझ, चलो पहले लेयर फोर्थ, फोर्थ लेयर कौन सी है? जो सिलिंड्रिकल शेप में होती है, मतलब पिरामिडल शेप में, ठीक है। सेम इधर भी कॉनिकल शेप भी बोल सकते हो, पिरामिडल शेप भी बोल सकते हो। तो दिस लेयर इज आवर फोर्थ लेयर, जिसका हेल्प, ये कोई डेहिसेंस में हेल्प नहीं करता, इसका फंक्शन कुछ और ही है, ठीक है। चलो, तो इसका नाम है टेपेटम, टेपेटम लेयर, ठीक है। इसके फंक्शन हम पूरे अलग से देखेंगे। टेपेटम ने जिसको कवर करके रखा है उसके अंदर सारे सेल्स होते हैं, पूरा टिश्यूज, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये रीजन को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स का नाम है आर्की स्पोरियल सेल्स, ARCHI, ठीक
SPORIAL सेल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे बात की थी स्टराइल पार्ट की, दैट इज कनेक्टिव, ठीक है। और ये वाला पार्ट देख रहे हो जो यहाँ पे, और सेम इधर भी ऐसा ही एक पार्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। ये वही डेहिसेंस जिसमें ये तीन लेयर काम करती है, हेल्प करती है। डेहिसेंस का मतलब होता है खुलना, तो वो एंथर जो है वो यहाँ से खुलेगा और पोलन ग्रीन जो सारे निकलेंगे वो इधर से निकलेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गए हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। एंथर वॉल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो चार लेयर में डिवाइडेड है, चार लेयर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है। एक लेयर का अभी भी हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, वो कौन सी है, टेपेटम। तो टेपेटम का आप अलग से हेडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। टेपेटम का अलग क्या होगा, तो पहले तो इसकी जनरल बात करते हैं। टेपेटम सेल्स हैव थिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ठीक होता है मतलब इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स भरे होते हैं, क्यों भरे होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड नॉर्मली दे हैव मल्टी न्यूक्लियट, नॉर्मली दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, तो दे आर जनरली मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो इसके फंक्शन पे आते हैं, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन समझने से पहले हमने थोड़ा उसका बेसिक देख लिया, ठीक है। तो फंक्शन फर्स्ट, इट इज ए न्यूट्रिटिव लेयर, इट इज ए न्यूट्रिटिव लेयर, ठीक है। अब न्यूट्रिटिव लेयर है तो न्यूट्रिशन किसी ना किसी को देती होगी, तो किसको न्यूट्रिशन देती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रो स्पोर। ये वही माइक्रोस्पोर है जो आगे जाके पोलन ग्रीन में बनने में मदद करेगा, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, सिक्रेट सर्टेन एंजाइम्स, सिक्रेट सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। कौन से एंजाइम्स, तो एंजाइम्स लाइक कैलोस, कुछ याद आ रहा है, बस वही। तो इट क्या करता है, ये कैलस, इट डिजॉल्व या फिर इट डाइजेस्ट कैलोस, ठीक है, ऑफ, याद रखना, ऑफ माइक्रो स्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, इसको हम आगे फर्दर जब पोलन ग्रीन डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है, तब इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी याद रखना कि टेट्राड मतलब चार और माइक्रोस्पोर मतलब हमें पता है जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, मेल गैमेट ऑफ दी फ्लावर, ठीक है। चलो थर्ड फंक्शन इसका टेपेटम का, ठीक है, सेल्स ऑफ टेपेटम प्रोड्यूस, सेल्स ऑफ टेपेटम प्रोड्यूस, सेल्स ऑफ टेपेटम प्रोड्यूस यूबिश, यूबिश बॉडीज, UBISCH, यूबिश बॉडीज। आपने देखा होगा हिबिस्कस में स्पेशली, ठीक है। क्या होता है कि आप सिर्फ आपका हाथ भी टच करते हैं तो आपके हाथ में छोटे छोटे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको चिपक जाते हैं, तो स्टिकी टाइप ऑफ सब्सटेंस जिसमें पोलन ग्रेन्स आपके साथ चिपक जाए, वैसे बॉडीज की बात हो रही है, ठीक है। तो इन फ्यू लाइक हिबिस्कस, याद रखना हिबिस्कस एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट, पोलन किट, ठीक है। क्या ये पाउडरी सब्सटेंस होता है,
पाउडरी सब्सटेंस, स्टिकी पाउडरी सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ पे चिपक जाए, ठीक है। चलो, अब टैपेटम लेयर इज अगेन इटसेल्फ इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। कैसे? तो टैपेटम, देर आर टू टाइप्स ऑफ टैपेटम लेयर, टैपेटम लेयर, याद रखना, दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है ग्लैंडुलर एंड दूसरी होती है अमीबॉइडल, अमीबॉइड, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? ये ज्यादातर सिक्रेट करती है, रिलीज करती है बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स को काम आते हैं। तो रिलीज सब्सटेंस बाय सिक्रेशन प्रोसेस, रिलीज सब्सटेंसेस बाय सिक्रेशन, तो ऑल्सो नोन एज, इसी के बेसिस पे नोन एज सिक्रीटरी टेपेटम लेयर, ठीक है। जबकि इसमें दे फ्यूज टू फॉर्म प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अमीबॉइड आपको पता होगा, दे फ्यूज्ड टू फॉर्म प्लाज्मोडियम, तो इसका नाम ऑल्सो, दिस विल बी ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोडियल, प्लाज्मोडियल लेयर ऑफ टेपेटल लेयर। तो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। मैं इसके आपको फर्दर और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें से आपको पढ़ना है ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। दिस इज जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्चुअल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये हमारा हो गया पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी एंथर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसका माइक्रोस्पोरोजिनेसिस जो होता है वो कैसे होता है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो,